देखिए जो हमारे केस टू बाबा है, इनका गेम प्ले एकदम यू नो वेलकम बैक बैक दी वेलकम टाइप है। तो आज हम जा कर रहे केस टू बाबा के कुछ वेलकम बैक बैक दी वेलकम टाइप मोमेंट्स देखने वाले हैं कि नहीं। गाइस वेलकम बैक बैक दी वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल के गेम प्ले में। और अब देखने को मिलेगी असली कैंपिंग देखने को मिलेगी अब केस टू बाबा को। ओके डैड्स पीके को भैया ने नेट से फोड़ा है। अब बंदा होता है नॉक, मैं होता हूँ बहुत ही खुश, लेकिन ये खुशी ना हैरानी में बदल जाएगी। ये खुशी है रहा। ओके मैं भी देख रहा हूँ भाई। ओ माय गॉड टू रू पेरो प्लेयर्स, क्या कैंपिंग कर रहे भैया। ओहो केस टू भैया को रोजा थे पिल्ले वाले लोंडो को। ओ भाई पड़ी सर पी केस टू के, बट केस टू को थोड़ी ना रोक पाओगे तुम। देखो सीन क्या है, आगे वाले भेरा उसमें बंदे बैठे पड़े हैं और मैं यहाँ ढीट बेवकूफों की तरह छलांग लगा देता हूँ। छलांग? अरे केस्ट भाई तुमको मौत से डर नहीं लगता क्या? ओहो अरे अरे केस्ट भाई पैरो प्लेयर है, तुम हल्के भी नहीं लेने का, एकदम मुड़ते फेलते उड़ते फेलते। अरे अरे ये बंदा तो अलग ही दुनिया में है। कौन सी दुनिया में हो, कहाँ घूम रहे हो बे? अब एक टाइम के लिए यार ये लोग भी बोल लोगे भाई ये बंदा कुछ गलत सीन करके खेल रहा है, ऐसे कहां से गोली आ रही है, हम तो बिल्कुल सेफ बैठे पड़े हैं। मतलब भेरा उसका कवर है, दीवारें हैं भाई, फट्टे पड़े हुए हैं और उसके बाद भी गोली कैसे आ रही है। खैर इनको क्या ही पता कि यार मैं छत पे चढ़ा बैठा हूँ। अब देखो इन्हें मैं बहुत परेशान करता हूँ, बहुत ज्यादा। वो उठेगा ये वापस नॉक करने वाले में, मेरे को लग ही रहा था। अब गॉड सब यही कर रहे हैं। अब ज्यादातर यार मेरा नारा रहता है गोली चलनी चाहिए तब तक पेटी ना बने जब तक, लेकिन यहाँ पे सीन बहुत ही अलग चल रहे हैं। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि मैं ऊपर बैठा हूँ, और यार मानो या ना मानो ये लोग बहुत गाली दे रहे होंगे। वही तो, बहुत गाली दे रहे होंगे। केशव भाई क्या कर रहे हो तुम, बुली कर रहे हो नुबड़े को। और वो बेचारा रिवाइव पेलने वाला बंदा भी बोल रहा होगा कि भाई क्यों तेरे को ही गोली क्यों है, मैं भी नहीं बैठा हूँ। खैर यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ा हूँ, फुटी स्टेप के नाम पे बहुत ही कम दे रहा हूँ मैं, तो अभी थोड़ा और मार सकते हैं। और मारेगा भाई अभी इसको। यस और इस सीन के बाद, इस आखिरी गोली के बाद यार उस बंदे का सबर का घड़ा फूट जाता है या भर जाता है भाई, कुछ तो डायलॉग था। खैर वो उसको छोड़ के इधर उधर भागने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है यार मैं इनके साथ पूरी मस्ती कर रहा हूँ, और जहां तक मेरे को पता है ये समझ चुका है मैं छत छुत में बैठा पड़ा हूँ। तो भाई अब बाहर की तरफ, तो यार पेटी बनानी पड़ेगी अब तो। ये बेटे मौज कर दी बेटे, क्या भाग रहा है। अरे बेटे तुम तो कहते हुसैन बोल्टो में, अरे हुसैन बोल्ट खुले में आ गया कहीं मरने के लिए केस टू के हाथ से। और जब तक बंदा ये समझ पाता कि मैं इन्हीं के सर के ऊपर चढ़ के बैठा हूँ तब तक बहुत देर हो जाती है। और अभी मैं बस एक ही बात सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं कूदा फांदी में गलत हो जाता कहीं पे, सोचो मैं सीधा अंदर घुस जाता उस भेरा उसके, भाई सीधा पेटी बनती, तीन तीन बंदे बैठे पड़े थे। खैर यहाँ पे फ्लैड ड्रॉप इस छत के ऊपर होती है, और हमारे भाई की हरकतें देखो आप, क्या कर रहे हो लियोड भाई। आप लियोड भाई कम डाउन, बिल्कुल पता नहीं मेरे को इतना हंसा क्यों आया वो देख के। व्हाट पता नहीं टार्जन टाइप कूदा नहीं थी, देखना टार्जन टाइप हो गया था वो, देखो। ये अब हम लोग एक अनजान कमरे में आ जाते हैं, और यहाँ पे आके मैं बदतमीजी चालू कर देता हूँ, इधर उधर कूदने लगता हूँ और बटन वगैरह दबा देता हूँ, बटन वगैरह, और हो जाते गलत सीन। बटन दबा दिया। ओहो ओहो ए बेटे मौज कर दी बेटे, ए बेटे केस्टू भैया की 2 साल पुरानी वीडियो जब वो वॉइस ओवर नहीं करते थे। अप्रोचिंग फ्रॉम द ईस्ट, ये टारगेट अप्रोचिंग फ्रॉम द ईस्ट, ये बॉय वो देखो आए। दैट्स प्रीटी गुड, दैट्स प्रीटी गुड, पेशेंस डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। केस्टू बाबा क्या करेंगे इसके साथ, क्या लगता है क्या केस्टू बाबा इसको गोली मारेंगे या फिर इसकी शक्ल देखते रहेंगे? व्हाट विल केस्टू डू? वेलकम बैक बैक दी वेलकम, आए हो आप लूटने जाओगे आप रोटे हुए वापस लॉबी में। ये क्या लूटे रहा है भाई, देख भी नहीं रहा पीछे, पीछे तो देख रहा है भाई क्या लूट रहा है। गाइस ये नॉन स्टॉप लूटे जा रहा है, इसकी जिंदगी एक लुटेरा बन चुकी है भाई। आ ये गर्रा
टैंगो डाउन। बंदे आगे खड़े हैं, गेस्ट भैया उसके पीछे नाच रहे हैं। यस मैं भी नाच लेता हूँ गेस्टों के साथ। There's no quiet way out of this one. तो भाई बहुत काम किया इन लोगों के पीछे जा जा के नाचा है, क्या ही बोलूं मैं। अब देखो ये देखो पीछे पड़ने वाले भाई, हेलो ओ साथ में वाह। गेस्ट भैया ने तो एक से बढ़ के एक काम किया। नूफ वन नूफ टू नो 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 गॉड और आप देख ही पा रहे हो यार किस तरह मजाक बना के जलील किया जा रहा है तुम्हारे भाई को। एक नेड से तीन बंदे पेल गया, मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ। अरे बोला तो नेड गोड की जय हो। यार नेड गोड मजाक में बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि यार नूबड़ों से कभी कभी तुक्के लग जाते हैं। लेकिन देखो आखिरी किल भी तुम्हारा भाई नेट से ही लेगा, तब तो भैया जलन चार गुना बढ़ जाएगी। लेकिन जलन अभी कम नहीं हुई है। हमारे भैया से ये बात हजम नहीं हो रही है कि यार मैंने एक ऐसा बंदा जिसके नेड जिंदगी भर नहीं फटे, वो बंदा एक नेड से तीन बंदे ले जाए तो भाई मेरे को हमारे भाई केस्ट ये कर बैठते हैं। क्या कर देते हो आप, केस्ट टू भाई विल बी लेजेंडरी राइट नाउ यू नो। ओ ओ भाई मौजूद उस खुद ओ आरके ने बताओ भाई। अब मेरे उस खतरनाक नेट से हमारे भाई इतना ज्यादा जल जाते हैं कि यार मेरे को जलाने की कोशिश करते हैं। वही तो मतलब जलन की भावना हर तरफ है। वही तो दिल जलन की भावना हर तरफ। जैसे ही वो बंदा गाड़ी स्टार्ट करता है कौन सा बंदा हमको डर लग जाता है कहीं वो जून के बाहर जाके अपनी खुद की बेटी न बनवा। भाई गाड़ी घुमाते हैं और वापिस आते हैं। अरे अरे ओहो हमारा प्लेयर आ गया हेटिक्स के साथ, एक कार 90 मार रहा है। गुटकाधारी नागिन हैज अ न्यू डेफिनेशन नाउ आफ्टर सीइंग दिस। ओहो ओहो क्या चल रहा है ये, एक को नॉक कर दिया भाई ने, केस्ट ने शॉट मिस कर दिया। अरे अरे तो डर लग रहा है यार इस हरकत के बाद ये भाई PUBG अनइंस्टॉल ही ना कर दे सही में। वही तो ऐसी हरकतों के बाद तो मैं भी इंस्टॉल कर देता सही बता दो। अगर कोई मेरे को ऐसे मारते थे ऐसे कैसे मारते तुम केस टू भाई, ऐसे कैसे मारते। अरे 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 क्या चूतिया करने यार, भगवान कसम क्या चूतिया करने। कुछ एम उम कुछ है ही नहीं भाई, कुछ होता ही नहीं, लगती नहीं गोली। तो भाई कुछ नहीं होता इस गन से भाई, रुबड़ी गन। क्या 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 कुछ होता ही नहीं, लगती नहीं क्या बोला गेस्ट में डंडूरा सा। गाइस कमेंट सेक्शन में आज स्पैम हो जाए जो केस्ट भाई ने अभी बोला है। ये यार केस्ट मैंने ये वर्ड पहली बार सुना अपनी लाइफ मेरा फोन सस्ता वो आखिरकार ये गेम आ चुका है। और पहली बता दूं ये गेम मैं अपने फोन में नहीं खेल रहा हूं क्योंकि यार मेरे फोन की औकात ही नहीं हुई इस गेम को चलाने की। मतलब इतने ओपी ग्राफिक्स है क्या ही बताऊं, मेरा फोन सस्ता फोन चला ना पाया गेम को। तो हाँ मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई रिकॉर्डिंग भेज दे, तो हाँ ये वही रिकॉर्डिंग है। और इस गेम को इस गेम की ग्राफिक्स को सब कुछ बनाने में लगभग आधा साल लग गया। देखो बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, इतनी ओपी ग्राफिक्स और ये अल्ट्रा गेम प्ले मतलब ग्राफिक्स को अल्ट्रा पे रख के खेला गया है। और वायलेंस जैसी, अरे क्या वायलेंस क्या होता है इस गेम को पता ही नहीं वायलेंस क्या होता है। वायलेंस क्या होता है, ये तो टट्टी है। वही तो थैंक यू समझ रहे हो ना गाइस वायलेंस जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पारिवारिक। अभी आपके बगल में कहीं कोई बच्चा पैदा हुआ होगा ना उसको जाके ये पकड़ा दो, अरे कोई वायलेंस नहीं है। ओ भाई कौन वो इश है, कौन है भाई लड़की खेल रही है। लड़की खेल रही है भाई, बड़े थे। ओ माय गॉड आपकी आवाज थोड़ी आंटी जैसी है ना, तो ओ ओ ओ ओ समझ रहे हो आपकी आवाज। ओ भाई इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही, कहाँ गए? केस्ट ने कहा आपकी आवाज थोड़ी आंटी जैसी है ना, इसलिए पहचान में नहीं आई। ओ भाई मैसेज कैसे करें, गलत ब्रो, जो जीतेगा उसको करना है बस। केस्ट से पंगा नहीं लेना गाइस, कुछ बोले केस्ट से पंगा नहीं लेना, केस्ट को गुस्सा आ जाता है भाई।
तीन मिनट बाकी लौंडो, उसके बाद पता चल जाएगा कौन है विनर। भाई कितनी उसी है, 350 इस चीज का विनर, कुछ नहीं स्ट्रीम की बात करो। ऐसा मेरे अकॉर्डिंग मेरे से ज्यादा सेविश तो केस टू है भाई। मतलब लड़की ने कहा पहचान में नहीं आई आवाज की, मैं लड़के उसने कहा नहीं थोड़ी आंटी जैसी आवाज है भाई साहब, आई विल रिमेम्बर दिस स्टाइल होगी यू नो, अगली बार कोई मेरे आई ये दिस इज गोना बी फन। ओके आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की केस टू के मजेदार मूवमेंट्स में बस इतना ही। केस टू अगर तुम्हें पसंद आई वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, चाहे तुमने नहीं किया हो तो। मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू, to stop what you're doing and listen.